इन्होंने पिछले 10 साल में कितना रोजगार दिया। इन्होंने हमारे युवाओं के बल पर मंदिरों का नाम लिया, बोला कि इन्हें नौकरियां देंगे, है इन्हें भटकाने का काम किया। बदले में क्या दिया, क्या दिया? कटोरा। तो साथियों, इस बारी क्या दोगे इनको वोट मांगने पर? बहुत बड़ा खाली कटोरा। इनको वापस इनका कटोरा थमा के भेज दीजिएगा और जवाब दे दीजिएगा कि हमारा वोट हमारी बहन जी के साथ है। हमारा दुश्मन साम दाम दंड भेद आदि का इस्तेमाल करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। इस दुश्मन को आपको समझना और पहचानना बहुत जरूरी है। साथियों, ये दुश्मन आपसे आपके मूवमेंट पे सीधा वार नहीं करते, ये बहुत समझदार है। ये आप पे कभी सामने से आके वार नहीं करेंगे। इनमें और हमारे सच्चे कार्यकर्ता में, बहुजन समाज पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता में फर्क करना बहुत मुश्किल है। बहुत बारीकी से इनको समझना होगा। साथियों, ये भी नीला पटका पहनेंगे, ये भी नीली टोपी पहनेंगे, ये भी बाबा साहब के नारे लगाएंगे, ये भी मान्यवर साहब के नारे लगाएंगे, परंतु जब बात आपकी नेता के बारे में आएगी तो उनके लिए बोलेंगे, अरे बहन जी तो थोड़ा सा उम्र में बढ़ चुकी हैं, अपने समाज से दूर हो चुकी हैं, ये फिर विरोधी पार्टियों के नेताओं की तारीफ करेंगे। साथियों, यहीं पे आपको उनको पकड़ना है, जो आपके बीच में रहकर अपने आप को नेता बताए या विपक्षी नेताओं को आपका शुभचिंतक बताए, उनसे आपको समझ के रहना होगा। जिंदाबाद।